सोलन के महाविद्यालय में हर साल होने वाले चुनाव से कॉलेज का माहौल किसी जंग के मैदान से कम नहीं लगता। दोनों गुटों का आपसी तनाव साल भर तो रहता है, पर उसका नुकसान आम छात्रों को उठाना पड़ता है। वो कैसा महसूस करते हैं, आइए जानते हैं। ये आपने क्या सोचकर आपने इलेक्शन को ज्वाइन किया? विद्यार्थी परिषद के साथ पिछले 5 सालों से जुड़े होने के कारण एक इस तरह के संगठन के साथ जुड़ना, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में पिछले 11 वर्षों से नंबर 1 छात्र संगठन है, पूरे उसके साथ जुड़ने के कारण इस वर्ष जो विद्यार्थी परिषद ने और आम छात्रों ने मुझ पर विश्वास दिलाया कि उन्हें लगा कि जो मैं हूँ वो विद्यार्थी परिषद से अध्यक्ष पद का दावेदार हो सकता हूँ, तो विद्यार्थी परिषद का जो सहयोग मुझे मिला उस सोचकर विद्यार्थी परिषद के बैनर तले इस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। बीकॉम सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और SMI से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार। इलेक्शन आपने क्या सोचकर ज्वाइन किया आपने? जी, इलेक्शन ये सोच के ज्वाइन किया कि ये भी एक पढ़ाई का ही हिस्सा है, क्योंकि जिस आइडियोलॉजी पर हम चलते हैं तो भगत सिंह जी ने एक बात कही थी बहुत अच्छी कि जब छात्रों का मुख्य कार्य पढ़ाई करना है, लेकिन देश दुनिया व समाज की परिस्थितियों का ज्ञान होना, उसकी समस्याओं का ज्ञान होना, उन समस्याओं का हल ढूंढना भी हमारी पढ़ाई में ही शामिल होना चाहिए। इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं भी राजनीति में लूँगा। ये धारणा मतलब बहुत ही गलत है। आपको क्या लगता है कि कॉलेज में इलेक्शन होने चाहिए? इलेक्शन मेरे हिसाब से तो नहीं होने चाहिए। इससे मतलब जो यंग जो जनरेशन है एक तरह से मतलब जो पढ़ाई के उद्देश्य से आ रही है वो मतलब पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है। सर, सुरक्षित का मैं नहीं कह सकता कि हम कॉलेज के इलेक्शन के दौरान उसके बाद सुरक्षित हो पाएंगे, क्योंकि अगर हम किसी के दबाव में आकर किसी पार्टी को वोट भी दे देते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी तो जानती होगी कि हमने किसको वोट किया, तो कहीं ना कहीं वो किसी मोड़ पर हमें टॉर्चर करेंगे और इससे ये होता है कि हमारे मन में डर बैठ जाता है कि हम कॉलेज जाएँ या ना जाएँ। मैम, आपको क्या लगता है कि कॉलेज में चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए, ये डेमोक्रेटिक राइट है, तो डेमोक्रेसी में जब ये अधिकार दिया गया है तो, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि इन चुनावों को एक डेमोक्रेटिक राइट की तरह ही लिया जाना चाहिए। अगर कभी कोई अनफोर्सिन कॉन्टिंजेंसी हो जाती है तो उसके लिए हम पुलिस की भी सहायता लेते हैं। सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि अगर हमारे ये कॉलेज की पार्टीज होती है, 2-3 जितने 4 भी गुट होते हैं, एक साथ मिलकर कार्य करें, जिससे यह है कि ना तो इन इलेक्शन में टाइम बर्बाद ना हो और जो स्टूडेंट हो उनसे इनके भय से ना कॉलेज छोड़ के जाएँ ना डिस्टेंस मोड पे जाएँ, वो रेगुलर स्टडी करें। मेरे घर में मेरे 2 छोटे भाई हैं, अभी वो स्कूल पढ़ते हैं। अगर इसी तरह के हालात कॉलेज में रहे तो आने वाले समय में कॉलेज का वातावरण किस तरह से होगा? मैं चाहता हूँ जिला प्रशासन व कॉलेज प्रशासन एक ऐसी कमेटी बनाए या एक ऐसे कानून की व्यवस्था करे जिससे बात करने वाले अंदा प्रसार करने वाले छात्रों को दंडित किया जाए। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से मैं अवधेश नेगी, इंडिया अनहर्ड के लिए।